25 जून 2015 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखकर शहरों के कायाकल्प के विस्तृत प्लान को हरी झंडी दिखाई थी। योजना के अंतर्गत 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, जल भराव को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, नॉन मोटराइज्ड शहरी यातायात और शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण। अब तक 1,05,00,000 घरों को पानी के नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसकी वजह से लोगों को, विशेषतः महिलाओं को, हर रोज पीने के पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इस योजना के तहत अब तक 78,00,000 सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 6,000 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 1,240 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हैं और जिनमें 907 MLD ट्रीटेड पानी रिसाइकल किया जा रहा है। पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इन शहरों में 5,400 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। इन पार्कों से न केवल लोगों को अच्छा वातावरण मिल रहा है, बल्कि भूजल में बढ़ोतरी हो रही है। इस योजना में 102,00,000 स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 88,00,000 स्ट्रीट लाइट्स को बदला भी जा चुका है। इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 190 करोड़ यूनिट बिजली की बचत प्रतिवर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 15.4 लाख टन की कमी आएगी। अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर, पुणे, सूरत, विशाखापत्तनम, लखनऊ और गाजियाबाद, इन 10 स्थानीय निकायों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं भारत के विभिन्न शहरों में और जानते हैं कि अमृत योजना आने से इन लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं। വെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടു കുടം വെള്ളം വെച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അമൃതി പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ മീറ്റർ വെച്ച പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അമൃതി പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷം അലക്കാനും കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വെള്ളം സമൃദ്ധിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഉറക്കം കളഞ്ഞ് വൈകിട്ടും പുലർച്ചയ്ക്കും വെള്ളം പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. अब हमारे पूरे मोहल्ले में भरपूर पानी मिल रहा है, सब सुखी चैन से है। अब तो समस्या सब दूर हो गई है। अब जब से ये टंकियां लगी हैं तो हमें हमारे घर पर ही पानी मिल जाता है। पथरी वथरी की हो जाती थी, बर्तन सब परेशानी हो जाती थी, फिर उसके बाद ये मीठा पानी को टोटी लग गई, उससे अच्छा पानी आता है। मिशन अमृत द्वारा मको मंच नील वस्तुनाई बाने उन्नई। हमें कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती थी, कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। जब से ये सीवर लाइन बिछी है तब से बच्चे भी निकल जाते हैं, कपड़े अपड़े गंदे नहीं होते हैं, बेटर फील हो रहा है। आगे पानी हमको मिलूला नहीं, बहुत देर को पानी आते जीवा पड़ता एवं हमारे को पानी हम घर घर आस पानी मिलूँ आमर को अमृत योजना पानी जो पानी मिलूँ आम अमृत योजना बनाई है वो हमारे लिए सचमुच अमृत जैसी साबित हुई है। जब से ये नल जल योजना शुरू हुई है तब से हमारा पानी की समस्या हमारे खत्म हो गई है। जो पानी की नई सप्लाई शुरू करी है उससे हम बहुत सेटिस्फाई हैं, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। पहले गंदा पानी आता था, जब से अमृत योजना आई है हमें साफ पानी मिलता है और भारत सरकार की धन्यवाद और केंद्र सरकार को धन्यवाद। पहले हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पानी का और अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम साफ अमृत योजना जो पानी है उससे हम लोग को बहुत फायदा है। जब से अमृत योजना है ना तब से बिल्कुल पानी की कोई मात्र कमी नहीं है। अमृत जल योजना आया पास पूर्ण समाधान है पाण्याच्या बाबतीत। अमृत मिशन वांग्यान तुम्हा तुई चयते अमृत योजना रु पानी दबार केंद्र सरकार राज्य सरकार को धन्यवाद। केंद्र सरकार राज्य सरकार ला धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार के शुक्रगुजार। I really thanks अमृत स्कीम्स केंद्र सरकार नु केरल सरकार नु नॉन रेगुलर
भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार को धन्यवाद। शुक्रगुजार गवर्नमेंट सरकार को धन्यवाद। കോഴിക്കോട് ബീയിങ് ദ ഫോർത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ബീയിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് ദ ഫണ്ടിംഗ് ഓഫ് അമൃത് ഹാസ് ആഡഡ് കളേഴ്സ് ടു ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് റിവാംപ് ഓഫ് ഓൾ വൺസ് മേക്സ് അസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫോർ അസ് ഹു ലിവ് ഇൻ ഹിലി ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പി terrain areas. When I see people walk along Amrut Mission pedestrian footpaths with a feeling of safety beside heavy vehicular roads, I feel happy.